मेरा नाम मोहम्मद सलमान नूर है। मैं बैच 39 का अमल फैलो हूँ। जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे जस्ट 61% मार्क्स थे, जो एक अच्छे मार्क्स नहीं थे। लेकिन जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैंने वहाँ पे बोर्ड देखा पोजीशन होल्डर्स का, तो उस दिन से मैंने अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लिया कि सलमान ज़िंदगी में सख्त काम करना। और मैंने बहुत मेहनत की और फिर वो दिन आ गया जब मेरा एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एजाज़ आ गया। तो जब आप स्टंट स्टोरी किसी को बताते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर, तो मैं बस यही बता सकते थे कि आई एम हार्ड वर्कर, आई एम ए गुड टीम लीडर। लेकिन मुझे अमल फैमिली में आने के बाद ये पता चला कि आपके अंदर कुछ एबिलिटीज़ हैं, कुछ स्किल्स हैं जो आप पास में भूल चुके होते हैं। फिर मैंने उस स्टोरी को अपने स्टंट स्टोरी में बताया, जो कि बहुत अच्छा और गुड इम्पैक्ट पड़ा इंटरव्यूअर पर। और दूसरी चीज़ वो ये थी कि जब मैं इंटरव्यू दिया करता था तो मैं हैंड क्रॉस करता था, क्रंच करता था, बहुत नर्वसनेस हो जाता था। तो ये जब मॉक इंटरव्यू हुए तो वहाँ पे अलमनाई जो हमारे थे उन्होंने मुझे बताया कि सलमान आप में ये एक वीकनेस है, आप इस चीज़ को इम्प्रूव करें। तो फिर मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उसमें बहुत गुड इम्पैक्ट पड़ा, मुझे अपने आप में एक जज्बा लगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि सिर्फ बुकिश नॉलेज सब कुछ नहीं होता, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में जाने से पहले एक प्रिपरेशन होती है, एक मकान तैयार हो जाता है, सीमेंट हो जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन जब तक उसको पेंट और उसमें रोशनी ना की जाए वो किसी काम का नहीं होता। हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन उस बिल्डिंग को हम पेंट और रोशनी उसमें रोशनी नहीं करते, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो देखिए, मैं भी आपकी तरह जब अमल फैमिली में आने से पहले मेरे जहन में भी काफ़ी क्वेश्चन थे कि पता नहीं अमल फैमिली क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। लेकिन जब मैंने 3 माह का यहाँ पे ड्यूरेशन गुजारा, एडी फाउंडेशन की कुछ एक्टिविटीज़ करवाएं, कुछ एनर्जेटिक गेम्स करवाएं, बहुत सारी लर्निंग करवाई, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स थी जो मैंने अमल अकेडमी देखी उसके द्वारा किया। थैंक यू।